आप सभी को स्वागत है YouTube चैनल पे, मेरे YouTube चैनल पे KTCC क्लासेस में। एक्सरसाइज 8.4 का क्लास 10th के लिए क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है। इसके बाद लास्ट पार्ट बचा है 10th पार्ट, और इसको हम देख रहे हैं कॉस ए के माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज सेक के माइनस कॉस ए के कॉस ए इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए। ये इक्वल टू का साइन लगाया, यानी कि सॉल्व करके हमें ये ही लाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, हमें ये चीज नहीं लानी। इसमें RHS और LHS दोनों चीजें हमें प्रूफ करनी है, यानी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा, और फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बुक में यहां पर दिया भी रखा है क्वेश्चन में शुरू से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉस ए की फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए क्वेश्चन करने से पहले, और वैल्यूज किस तरह से पुट करना है ये ज्यादा तनाव वाली बात नहीं है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला पुट करना है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin a। तो 1/sin a मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने, माइनस साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए रहने देंगे अभी से हम, ठीक है। ये हो गया, दोनों करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos a माइनस कॉस ए, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही है तो ये ऐसे रहने देंगे। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इस साइड वाले RHS में सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा साइन ए, एलसीएम साइन ए 1/sin a, तो 1/1 माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन ए आना चाहिए, तो साइन ए को भी हम साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारा sin² a, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहां पर भी देखिए डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कॉस ए आएगा, सेम वैसे ही होगा, बस थोड़ा चेंज है, कॉस का चेंज है बस इसमें, cos² a, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 - sin² a, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos² a का, ठीक है, अपॉन साइन ए, ये ऐसे रहने देंगे हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 1 - cos² a का फॉर्मूला क्या होता है, sin² a, sin² a / cos a, ठीक है। अब देखिए अगर कोई चीज कट रही तो हम कट करेंगे, यहां पर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 2 cos हैं तो 1 square हट जाएगा वहां से। यहां देखिए साइन ए से स्क्वायर वाला हटेगा ना, 2 है तो 1 ही बचेगा, तो क्या बचा हमारा ऊपर, कॉस ए और मल्टीप्लाई साइन ए, ठीक है, नीचे दोनों वाले कैंसिल हो चुके, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे RHS हमारा, यानी कि इसको सॉल्व करके भी हमारा सेम आंसर आना चाहिए। अब देखिए 1/tan θ की यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या होती है, sin a / cos a, cot की वैल्यू भी यहां पर पुट कर देंगे क्योंकि ये तो सेम है नहीं कुछ ऐसा, यहां पर cos a / sin a, ठीक, उल्टी होती है, tan की सीधे उल्टी होती है cot का फॉर्मूला जो होता है। अब यहां पर इसका सॉल्व करते हैं हम, यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा कॉस ए और मल्टीप्लाई में आता है एलसीएम साइन ए, ठीक है, दोनों का सेम ले लिया। कॉस ए की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा चीज आएगा तो साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वो साइन ए ऊपर आ जाएगा, तो sin² a + sin a की कॉस से करेंगे तो ऊपर कॉस है, cos² a आ जाएगा। ऊपर वाला 1 जो था ये पहले से ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। अब इसको जो नीचे वाला चीज होता है डिनोमिनेटर के भी जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है ना, ऐसे करके आ जाता है ये, तो इसको हम लिखेंगे sin² a + cos² a की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये तो यहां से और सरल हो चुका है हमारा, तो कॉस ए और साइन ए यहां पर आ गया, साइन ए ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या आ गया, कॉस ए मल्टीप्लाई पे साइन ए, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। RHS और LHS दोनों सेम सेम आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।